माशाल्लाह एक हनी है, एक चॉकलेट है, ठीक हो गया। एक सेकंड जरा हम 2.0.5 पे कर लें, सारा व्यू आएगा इसमें। आजा भी आजा आजा आजा, तुम्हें आजा तुम्हें आजा तुम्हें आजा, माशाल्लाह दोनों आ गए। ये मारता है उसे, खाने नहीं देता। आजा आजा खा लो खा लो खा लो। और एक ये काटता भी है, ये काटता भी है, ये जंगली है, लेकिन इनके देख देख के ना ये पास आने लग गया। आजा आजा हनी चॉकलेट, साथ इतर भी बोलने लग जाता है जब इनकी आवाज़ सुनता है। आजा 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 हनी 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 चॉकलेट, तू भी आ जा तू भी आ जा, आजा 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 आजा। ये आएगा अब, ये उसको मारने के लिए आ जाएगा, इसका नाम चॉकलेट है। ये हनी आएगा दोबारा, देखना वहाँ से, ये इसको मारेगा आगे, इसे कहेगा भाग निकल यहाँ से। देखा डरा दिया उसको, ये बड़ा तेज है, हनी नाम है इसका। इसको हमने पहले भी फ्री फ्लाइंग के लिए उड़ाया हुआ है, पहले आपने देखा होगा वीडियो में। खाला 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 खाला, शाबाश। और ये इस तरह देखे तो सारे रिंग निक डर के ऊपर चले गए सारे। मेरा प्लान है कि इनको ना फ्री फ्लाइंग मतलब कराया करूँ, इनको उड़ाऊँ, इनको ये खुद ही वापस आ जाते हैं, लेकिन बिल्कुल परफेक्ट नहीं है, डर लगता है कभी कभी ना उड़ी ना जाएं, यहाँ पे घर ज़्यादा है, इधर उधर चले ना जाएं कहीं पे। पिंची पता नहीं भूखी है क्या है इनको, एक सेकंड मैं दिखाता हूँ आपको। चलो ये थोड़ा शुगर ख़त्म हो गया, चलो पिंची को पता नहीं क्या है, मेरी एक फिंच आज डेड हो गई है, पता नहीं भूखे हैं क्या है इनको, मैंने खुराक भी डाली हुई है। आई थिंक ये इन्होंने ना इसमें से निकाल के जो अंदर से होता है वो खा लिया और बाकी रह लिया है, मुझे तो यूं ही लग रहा है। इसको हम अंदर कर देते हैं, ये ब्रेड है मैंने इनको डाला था, मेरे ख्याल में वो कंगनी खा नहीं रहे हैं, पता नहीं क्या सीन है। पापा गए हुए हैं तो वो आएंगे तो फिर ही पता चलेगा क्या सीन है इनका, क्या नहीं, क्या खिलाना है इनको, क्या नहीं खिलाना। माशाल्लाह देख सकते हैं आप, ये जो है ना गोल्डन फिंच, इसका कलर देखें आप, फुल कलर हो रहा है, अगर देखिए चोंच इनकी रेड हो जाएगी, और ये ब्लू चेस्ट है, इसकी ब्लू चेस्ट हो जाएगी, और इसकी वाइट चेस्ट है। ये माशाल्लाह तकरीबन 18,000 से 20,000 का जोड़ा है, ये बच्चे 6,000 का 10,000 का 8,000 का पेयर ऐसे मिल रहे हैं मार्केट में, ये मार्केट रेट बता रहा हूँ आपको। उसके बाद हमारे पास ज़ेब्रा फिंचेस हैं इसमें, और वाइट फिंचेस हैं, और इसके अलावा इनका नाम भूल गया मैं यार, ये जो बैठी है ना ये वाली इनका नाम नहीं आ रहा, बेंगलाइज, इनको बेंगलाइज कहते हैं। अच्छा जी, तो इसके साथ अभी वो पैरट देखे नीचे बैठे हुए हैं सारे। ये मैं पास जाऊँगा देखना उड़ते कैसे डरते कैसे। ये गए गए ये माशाल्लाह खूबसूरती देखें इनकी, एक सेकंड यहाँ पे आएगी वीडियो, माशाल्लाह बहुत खूबसूरत है ये। ये मेल है जिनके गले में रिंग है ना, ये मेल है, ये फीमेल है, और इन्होंने अपने अपने जो घोंसले हैं वो उन पे कब्जा कर लिया, आप देख सकते हैं सारे अपने अपने घोंसलों में बैठे हैं, मेल जो बाहर बैठा है फीमेल अंदर। इनके तकरीबन 15 से 20 दिन में अंडे आ जाएंगे, उसके बाद हम फॉर सेल के लिए इनको लगा देंगे। ये सारे मेल जो है ना, फीमेल मेल फीमेल सारे ऐसे बैठ गए हैं, सब ने अपना अपना। ये एक पालतू है, ये यहाँ पे बैठी रहती है, खाना वाना खाती रहती है, ये नहीं डरती, ये पास भी आ जाती है अगर बुलाओ तो, लेकिन काट देती है, ये बड़ी बेवफा सी है। हेलो हेलो, उसका पता नहीं ये आ गया यहाँ पे पानी पीने। हेलो ब्रदर, ये इनको तो मैं आवाज़ हूँ तो उड़ते ही आते हैं, देखना हनी हनी हनी, हाँ देखो। ये फुल टेम है माशाल्लाह, ये उंगली पे बैठ जाता है, और मेरा इरादा है इनको ना फ्री फ्लाई कराया करूँ, ये दोनों पैरट्स माशाल्लाह फुल टेम है इस टाइम। काट ना दे मुझे, वो मार रहा है उसे, मार मार मार, क्या कर रहा है ये, ट्राई इसकी पूरी है कि मार ही दूँ इसको। नहीं ये नहीं डरा, देखते हैं कौन बहादुर है इनमें से, कौन डर के भगाता है दूसरे को। वो डरपोक है, ये डरपोक है, ये जो मेरे पास है ना ये हनी है,
ये नहीं डरता बिल्कुल भी। इनके लिए ना हम सूरजमुखी का बीज लेके आते हैं, सूरजमुखी का बीज लेके आते हैं, वो इनको खिलाते हैं, वो बड़े शौक से खाते हैं। ये मिक्स सीड है, बाजरा और बाकी बीज होते हैं इनमें सूरजमुखी के हैं, हम दो तीन निकालते हैं। ये इनके ना बड़े फेवरेट होते हैं, हम खिलाते हैं इनको जाके। देखना उड़ के आता, ये देखें आप माशाल्लाह। वो दूसरा डरपोक है, ये है नहीं, है वो दूसरा चॉकलेट है, ये उसे डरा के रखा हुआ है, इसमें पास नहीं आने देता उसे। ये ले ये ले, ये वाला बीज भी खा लो। ओए मुझे नहीं खाना, इसको खाना है, मुझे खाने के लिए तैयार बैठा है। चिंची मेरे ख्याल में भूखी हैं, इनको मैं ला के ब्रेड खिलाता हूँ, नीचे से लेके आता हूँ ब्रेड, क्योंकि ये ब्रेड खा रही है, पता नहीं संगे खा के लिए मेरी समझ नहीं आ रही। और ये माशाल्लाह आप देख सकते हैं कितना खूबसूरत लग रहा है। ये डरपोक है, ये मेरा वाला नहीं, ये तो ये है, ये मेरे वाला नहीं, दूर जाता। अब पैरट्स ने शोर कर दिया तो मैं उस चुपका ब्रेड लेके आता हूँ, फिर खिलाते हैं उनको। ब्रेड लेते हैं, मेरे ख्याल में एक जैसे एक दो ही रहती हैं, बस ये ले लेते हैं। ये ब्रेड जो है ना, इनको ना पानी से भिगो के इनको देते हैं। पानी से भिगो लेते हैं, फिर इनको खिलाते हैं। फिंचेस ये खा लेती हैं, खुराक इनकी ख़त्म है। बिल्कुल भीग गए हैं अब, हम इसे लेके जाते हैं और फिंचेस को खिलाते हैं। ये आप देखना, दो ब्रेड, डेढ़ ब्रेड, एक पहले मैंने ला के खिला दिया इनको, ये अंदर हमने डाल दिया इसे। अभी ये आप देखना, अभी मैं दूर हटूंगा, ये फौरन पास आ रही है, देखना इनका रश आता। देखो देखो आ गई हैं, सारी आ गई हैं। मैं थोड़ा जूम करके दिखाता हूँ आपको, यहाँ पे सारी जमा हो जाएंगी। ये ब्रेड बड़े शौक से खाती हैं, ये आप देखते हैं सारी जमा हो गई हैं यहाँ पे। तीन से चार, से चार तरह की हैं। सबसे पहले ज़ेब्रा फिंचेस जो होते तकरीबन 1500 तक पेयर मिल जाता है, उसके बाद वाइट फिंचेस हैं जो 2000 का पेयर मिल जाता है, उसके बाद बेंगलाइज हैं, बेंगलाइज भी तकरीबन 2000 तक पेयर मिल जाता है, और जो गोल्डन फिंचेस है ना, जिनका मैंने आपको बता रहा था ब्लू चेस्ट है वाइट, वो उनका बड़ा पेयर जो है तकरीबन 18000 का है। वो मेरे पास तीन पेयर हैं यहाँ पर, जो बड़ा पेयर है 18000 का, जो उनके बच्चे होते हैं 10000-8000 का पेयर ना उनका मार्केट में ऐसे सेल हो रहा है। ये देखें ये खा रही हैं, फुल शौक से खाती हैं, ये ब्रेड की तो फुल शौकीन है मेरी तरह। अभी नाश्ते में ब्रेड खाता हूँ और ये भी माशाल्लाह। ये ज़ेब्रा फिंचेस हैं, ये ब्लैक ब्लैक नज़र आ रही हैं, और वाइट जो हैं वो बेंगलाइज हैं, ये वाले एक बिल्कुल वाइट है ना, वो सिंपल है, वाइट फिंचेस है, और जो थोड़ा सा कलर उनका आप देख सकते हैं, ये जो बैठी हैं ये नीचे, ये वाली वो हैं, क्या कहते हैं इसको, बेंगलाइज, ये जो ऊपर बैठी है ये वाली बेंगलाइज है। वही ये डर के सारी ऊपर जाती हैं, कौवा आता है ना, कौवे की वजह से डरती हैं ये, कौवा आके डरा जाता है इनको सबको, परिंदे पता नहीं क्यों कौवे से इतना डरते हैं। और इसका तो मैंने आपको दिखाया था, ये हमने उसके लिए बनाया हुआ है, पैरट्स के लिए, डेली पैरट्स आते हैं, ये दाना रखा हुआ है, यहाँ से रस्सी डाली हुई है, इसको इसके ऊपर रखते हैं ऐसे, और जैसे कोई पैरट अंदर घुसा ये शुम बंद, ऐसा सीन है इसका, ठीक है। और इसकी रस्सी पकड़ के वहाँ एंड तक रखी हुई है हमने, हाय मेरा पैरट। ये काटने वाला ये दूसरा है, जंगली है, पता चल जाता है, वैसे तो सारे सेम लगते हैं, पता नहीं चलता, लेकिन ऐसे हाथ लगाओ ना तो पता चल जाता है कि ये भाई मेरा नहीं है, ये काटता है, देखना डर भी रहा है, और ये मेरा है, ये माशाल्लाह डरेगा नहीं, आप देखना ना काटता है ये, लेकिन वो वाला मेरा नहीं है, वो काटता है और दूर डर डर के भी भागता है।
दी एंड हमने थोड़ा सा बाजरा लेना है और इनको डाल देना है। ठीक हो गया, भूखी हैं ये भी, है ना। देखिए इन्होंने पहले मैं अच्छा खासा मतलब खिला ही गया हूँ थोड़ी देर पहले, अब इनको शाम को मिलेगा खाना पूरा। और ये उसके बाद तीतर हैं कुछ, इनको डाल देते हैं। फीमेल है वाइट, ये इसका कलर वाइट होना स्टार्ट हो गया, आप देख सकते हैं वाइट तीतर है ये। ये बहुत कम देखने को आपको मिला होगा, ये न्यू ब्रीड है ये पाकिस्तान में। ये बिल्कुल वाइट कलर का हो जाएगा स्लो स्लो। और ये भी इसके ही पट्टे हैं, ये यहाँ से सही नहीं नज़र आ रहे लेकिन ये इसके पट्टे हैं। ठीक हो गया, इसके इनका कलर पहले तो मतलब ऐसे ब्राउन ब्राउन सा है लेकिन ये बिल्कुल वाइट हो जाएंगे। ये भी अभी वाइट फुल हुई नहीं है लेकिन ये फुल वाइट हो जाएगी, बिल्कुल प्योर वाइट जैसे। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक और कमेंट कर दिया करें और बताया करें कैसी वीडियो लगी, और जो जो मतलब चीज़ नहीं अच्छी आई इसमें वो भी मुझे बता दिया करें ताकि मैं नेक्स्ट टाइम अच्छे से अच्छी ट्राई करूँ और आपके लिए प्यारी प्यारी वीडियो बना सकूँ। नेक्स्ट वीडियो हम बनाएंगे बर्ड्स की प्राइजेज़ के बारे में, उसके बाद आपको एक कबूतर्स भी अपने दिखाऊंगा फैंसी फैंसी वाले सारे माशाल्लाह।